फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यमा आर्या एंड यू आर वाचिंग यमास वर्ल्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल देख के तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में है, क्योंकि मुझे एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि जो मैंने अपना पहला मेकअप किट जो डाला था वीडियोस का, तो हालांकि वो भी बिगनर्स के लिए था, लाइक उसमें मैंने सारे ही टाइप के प्रोडक्ट्स मैं भूल जा रही हूँ उस वीडियो में मैंने सारे ही टाइप के, टाइप इन द सेंस हर रेंज के मैंने उसमें प्रोडक्ट इंक्लूड किए थे। लेकिन अब ये चीज मेरी ही गलती है, शायद मैं ये चीज दिमाग से निकाल दिया था या निकल गई थी मेरे, कि कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे भी हैं जिनको लाइक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स चाहिए। तो चलिए, मैं आज उन्हीं लोगों के लिए उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं अफोर्डेबल रेंज में आज मैं कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको दिखाने वाली हूँ। मेकअप से रिलेटेड मीन्स एक मेकअप किट आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में अपना मेकअप किट बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमको चाहिए होता है वो होता है प्राइमर। तो प्राइमर के लिए फ्रेंड्स, मैं आपको कोई भी ऐसा वैसा प्राइमर नहीं सजेस्ट करूंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरा स्विस ब्यूटी का प्राइमर। ये फ्रेंड्स हाइलाइटिंग प्राइमर है, ये हाइलाइटिंग प्राइमर है। 200-250 तक आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इसका फायदा ये है ऑल स्किन टाइप्स लगा सकते हैं, ऑल सीजन आप लगा सकते हैं। और अगर आपने ये लगाया है और आपको हाइलाइटर नहीं लेना है तो आप हाइलाइटर स्किप कर सकते हैं, ये इतना अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट देगा आपको। अच्छा, अब आप लोग ये मत सोचना कि ये 200-250 में मिलेगा तो ये अफोर्डेबल कैसे हुआ। लुक माई फ्रेंड्स, क्या होता है, हम प्राइमर आपको बताएंगे कोई भी लाइक 150 तक का, ठीक है, अफोर्डेबल रेंज में। फिर हम आपको हाइलाइटर बताएंगे बाद में, वो भी अराउंड 150 पड़ेगा, तो टोटल कितना हुआ, 300 हो गया। तो 300 के अंडर ही आपको एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है जिसमें आपको दो चीजों का इफेक्ट मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। और ये स्विस ब्यूटी का है, ब्रांड बहुत अच्छी है स्विस ब्यूटी, क्वालिटी सुपर्ब है, कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी इसको यूज करने में। बस आपको तरीका याद रखना है, थोड़ा थोड़ा करके यूज करना है, बहुत थोड़े से शुरुआत करनी है, बहुत सारा नहीं ले लेना है ये। सेकंड हम यूज करते हैं कंसीलर। हाइलाइटिंग पर्पस के लिए आपको कंसीलर चाहिए तो आप अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर लेंगे। अगर आपको अपने डार्क सर्कल कंसील करने हैं तो आप अपने स्किन टोन से एक शेड डार्कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए भी मैं स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर आपको सजेस्ट करूंगी। इसमें शेड्स आपको बहुत मिल जाएंगे, आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको शेड्स मिल जाएंगे, बहुत अफोर्डेबल है, आई थिंक 150 में आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने फाउंडेशन की। तो चलिए, मैं बहुत ही अफोर्डेबल में आपको फाउंडेशन बता देती हूँ। फिटमी का फाउंडेशन है ये, काफी सारे शेड्स में अवेलेबल है, आपको आराम से आपका शेड मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से पिक कीजिए अपना शेड आप लोग, और 200-250 में आपको आराम से मिल जाएगा, कवरेज अच्छी है। थोड़ा थोड़ा करके ही यूज कीजिए, नहीं तो बहुत केकी हो सकता है। आप जितना प्रोडक्ट कम लेंगे उतना आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। अब आ जाते हैं अपने आई शेडो पे। तो फ्रेंड्स, आई शेडो पैलेट मैंने आपको पहले वाली वीडियो में मैंने ये हाफ एंड हाफ का आई शेडो दिखाया था, लेकिन मैं आज आपके लिए दूसरा आई शेडो पैलेट लेकर आई हूँ जो कि कलर स्टूडियो का है। ये ड्यूप है, मैंने ड्यूप ही लिया था क्योंकि मुझे इसका बस कलर देखना था कि पे ऑफ कैसा है कलर का। बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका और आपको इसमें ना इतने सारे शेड्स मिल जाएंगे, देखिए इतने सारे शेड्स मिल जाएंगे, सारे शेड्स मिल जाएंगे, हर तरीके का शेड है इसमें। व्हाइट भी है, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ व्हाइट शेड तो आपके पैलेट में जरूर होना चाहिए, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैलेट है। आप देखिए इसमें ना आपके पास में ब्लैक कलर है, ब्राउन है, लाइट ब्राउन है। अगर आप अलग से आईब्रो फिलर नहीं ले रहे हैं तो आप इनसे काम चला सकते हैं, तो इसीलिए आज मैं आपको ये वाला पैलेट जरूर सजेस्ट करूंगी। बहुत अच्छा पैलेट है, ड्यूप है तो क्या हो गया, लेकिन वर्क बहुत अच्छा करता है। तो अब बात करते हैं अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की। कॉम्पैक्ट पाउडर में फ्रेंड्स मेरा ऑल टाइम फेवरेट है ये कलर एसेंस का,
खाली हो चुका है क्योंकि ये गिर के टूट गया था, सब चकनाचूर हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको खाली बॉक्स दिखा रही हूँ। ये मैं यही सजेस्ट करूंगी, मैंने पहले भी यही सजेस्ट किया था, मीन्स इसके पहले वाली वीडियो में जब मैंने मेकअप किट आपको दिखाई थी। ये बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर लीजिए, इसमें शेड्स काफी सारे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने आईलाइनर की। तो आज मैं आप लोगों को कोई लिक्विड आईलाइनर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि जो लैक्मे का मैं दिखाती हूँ वो भी आई थिंक सो 250-300 के अराउंड आता है, लेकिन आज मैं बहुत ही अफोर्डेबल में आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप इस तरीके का स्केच पेन आईलाइनर ले सकते हैं, ये मियोन का है, मेरे पास दूसरा भी है, ये है इनसाइड ब्रांड से। तो ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं, इनका कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब ब्लैक कलर बहुत ही सुंदर है इसका। देखिए ये नियॉन का है, मैं आपको इनसाइड का भी कलर दिखाती हूँ, कलर मतलब ये कितना डार्क है, ब्लैक है, जैसा भी है आप देख लीजिए। देखिए तो इस बार मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग यही वाला लीजिए, चिंता नहीं कीजिए, मैं सभी के लिंक्स आपको नीचे दूंगी, आप आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने मस्कारा की, तो मैं मार्स का मस्कारा आपको सजेस्ट करूंगी, बहुत अच्छा मस्कारा है। सीवीवी पेरिस का भी एक मस्कारा है, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको आज यही वाला सजेस्ट करूंगी कि आप ये मार्स वाला ही लेना, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी जो लैशेस होंगी ना वो वॉल्यूमाइज हो जाएंगी बहुत अच्छे से, तो आपको फॉल्सेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मस्कारा से ही काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने ब्लश की। तो फ्रेंड्स ब्लश के लिए मैं आज आपको सजेस्ट करूंगी स्टेक वर्की का ब्लश, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक 250-300 का है, लेकिन आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा तो आपके लिए अफोर्डेबल है ये, फ्री है तो फंबल हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका कलर ना बहुत अच्छा है, लाइक मैं आपको एक स्वेच दिखा देती हूँ इसका, देखिए। तो आज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ब्लश लेना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने हाइलाइटर की तरफ। तो फ्रेंड्स हाइलाइटर के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अगर आपने ये स्विस ब्यूटी का ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यही लेके रखना चाहते हैं, दूसरा हाइलाइटर नहीं लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर ये लेने के बाद में भी अगर आपको हाइलाइटर चाहिए हाफ एंड हाफ का, मैं जरूर सजेस्ट करूंगी, मेरा ये बहुत फेवरेट हाइलाइटर है। मैं आपको ये इसीलिए सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर ना आपको चार शेड मिल जाएंगे, देखिए चार शेड है, बहुत अच्छा पिगमेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई बहुत अच्छा हाइलाइटर है। देखिए देखो तो यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मैं तो इसको बहुत यूज करती हूँ, मेरा फेवरेट है ये, और भी बहुत सारे हाइलाइटर्स हैं मेरे पास में, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। 150 के अंदर तो मिल ही जाएगा आपको कैसे भी ये, क्योंकि इतना डिस्काउंट में रहता है, ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, जरूर मिल जाएगा डिस्काउंट में आपको। अब बात कर लेते हैं लिपस्टिक की। लिपस्टिक के लिए मैं आपको कोई लिक्विड लिपस्टिक सजेस्ट नहीं करूंगी, आपको मैं इस तरीके की क्रेयॉन टाइप जो लिपस्टिक होती है बुलेट वाली, ये वाला सजेस्ट करूंगी। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको बढ़िया क्वालिटी में चाहिए तो मेरे पास में ये टिंटिन की लिपस्टिक है, देखिए कलर लाइट करके टिंटिन का ब्रांड है, तो बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका, बहुत ज्यादा स्टे करती है लिप्स पे। ये कॉम्बोज में भी मिलती है, लाइक आप तीन एक साथ ले सकते हैं, चार ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, एक चाहिए तो एक भी ले सकते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपको किस तरीके से चाहिए। बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है ये, लाइक थोड़ी देर मतलब कुछ घंटे बाद शायद ट्रांसफर होने लगती है, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं है कि लगाते ही आपने कुछ खाया पिया और चिपक गई आपके ग्लास पे या कप के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। तो मेरी राय में तो टिंटिन इज द बेस्ट लिपस्टिक फॉर यू। मैं आप लोगों को काजल दिखाना भूल गई, तो काजल के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको ये ब्लू हेवन का काजल, बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका, बहुत अफोर्डेबल है, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, कोई शार्प करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं इसका स्वेच दिखाती हूँ आपको, देखो ये वाला है ना, देखिए
तो बहुत अच्छा काजल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। ऑलमोस्ट मैंने सारा ही बेसिक मेकअप आइटम्स कवर कर लिया है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में ये है। और फ्रेंड्स, इससे ज्यादा अफोर्डेबल में अगर आप चाहते हैं कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी क्वालिटी में आपको कुछ मिल सकता है, फिर तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरी राय तो यही है कि जो चीजें मैंने आज आपको दिखाई है, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर अप किया है इसमें। इतना मेकअप भी आप अपना ले लेंगे या इतने से ही आप अपना एक मेकअप किट बना लेंगे तो काफी टाइम तक ये भी चलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो। और फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि इनसे भी अच्छी क्वालिटी में और बहुत इनसे भी ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में प्रोडक्ट्स हों जो कि मेरे नजरों में अभी तक नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता है कि मतलब हो भी सकते हैं, तो लेकिन जो मेरे पास थे वो मैंने आज आपको दिखाया है, क्योंकि ये खुद मैंने यूज किए हुए हैं, मैं इन्हीं से अपना मेकअप करती हूँ। और भी ब्रांड्स के हैं मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं ये वाले भी यूज करती हूँ क्योंकि मुझे स्विस ब्यूटी है, मार्स है, मियोन है, मुझे इनके भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और क्वालिटी वाइज भी बहुत सुपर्ब होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, कुछ इन्फॉर्मेटिव होता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पे बेल आइकन होगा, प्लीज उसको भी हिट कर देना। फ्रेंड्स, जब आप लोग बेल आइकन हिट करते हैं ना, तो उसके ऊपर ना मतलब दो दो ऑप्शन, दो या आई थिंक तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आपको ऑल पे क्लिक करना होता है, ठीक है? तो आप ऑल पे क्लिक कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर भी कर देना मेरा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।